हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया चटपटा मसाला पालक आलू। तो फ्रेंड्स, ये पालक आलू की रेसिपी बहुत ही इजी है बनाना, तो मैंने आज बहुत ही इजी तरीके से बनाया। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पालक लिया हुआ था, यहाँ पे 500 ग्राम पालक लिया था, उसे अच्छी तरह से काट लिया था। यहाँ पे आलू भी मैंने काट लिया। तो अब देखिए, यहाँ पे मेरी कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने सरसों तेल डाला है। सरसों तेल डालने के बाद यहाँ थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून यहाँ पे साबुत जीरा इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हरी मिर्च इस्तेमाल किया और कटे हुए थोड़ा सा लहसुन डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर चटका लेंगे। मसाले को थोड़ा चटकने देंगे। अब ये चटक चुका है अच्छी तरह से, तो अब यहाँ पर 2 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज डालकर इसे अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं भून रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे प्याज जो है अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन और करना है हमें यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैंने 4 बड़े साइज़ का आलू लिया था बारीक कटा हुआ, उसे भी डाल देते हैं। उसे भी डालकर अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, सर्दियों का टाइम चल रहा है और बाज़ार में बहुत ही हरी भरी पालक नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम लोग पालक ले लिया जाए। और मैं पालक आलू बना ही रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पर शेयर कर दूँ। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कटे हुए आलू को भी डाल लिया और अच्छे तरह से भून लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे नमक स्वादानुसार लेंगे और साथ में यहाँ पे मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और बस इन दोनों को डालकर अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो बस यहाँ पर जो मैंने इसे दोनों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। और ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने 2 बारीक कटा हुआ टमाटर लिया हुआ है, जिसे मैंने पहले से काट के रखा था, उसे भी यहाँ पे डाल देंगे और डालकर आलू के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं टमाटर को मिक्स कर देती हूँ। मेरी जो टमाटर है वो आलू के साथ थोड़े से पक जाए और अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के लिए पका लेंगे और टमाटर को यहाँ पे मिक्स होने देंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। 1 टीस्पून यहाँ पे जीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते हैं, बस इतने ही मसाला मैंने यहाँ पर ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से डालकर यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और देखिए, यहाँ पर लास्ट में जो हम मसाला डालेंगे यहाँ पर जो रेसिपी को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने MDH का किचन किंग मसाला लिया है और ये बहुत ही टेस्टी होता है, स्पाइसी होता है। तो इसे हम लोग यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देंगे और इसे भी डालकर अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला हर सब्जियों में आप यूज़ कर सकते हो चटपटा और स्पाइसी बनाने के लिए। तो कितना अच्छा लग रहा है ये रेसिपी, बहुत ही इजी तरीके से बनता है और पालक आलू तो सबका फेवरेट होता है और मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डालकर अच्छी तरह से भून लिया है और अब मैंने यहाँ पे जो पालक काटा हुआ था, जिसे काट कर वॉश कर रखा था, अब उसे भी इसमें डालकर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अच्छी तरह से डालकर मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं तो ऐसी ही रेसिपी बनाती हूँ जो मेरे लिए तो काफ़ी ईजी हो, क्योंकि मुझे डिफ़िकल्ट रेसिपी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास आज के टाइम पे टाइम नहीं होता इतना कि हम हर रेसिपी को बना सके, तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना हमें ऐसी इजी रेसिपी मिले जो जिसे हम लोग बनाएं और झटपट तैयार करें और घर पर खाएं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे जो पालक थे वो आलू के साथ मिक्स हो चुके थे। अब हम इसे थोड़ा सा गलने देंगे, यहाँ पे पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पालक जो है हमारा ऑलरेडी पानी बहुत छोड़ता है। तो देखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, मेरा पालक जो है उसमें से पानी छोड़ रहा है और इसी पानी के साथ ही, देखिए कितना पानी मेरा छोड़ चुका है, इसी पानी के साथ ही आलू जो है वो पक जाएंगे हमारे। और इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारे पालक भी गल जाए और आलू भी गल जाए। तो बस यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है, आपको कोई भी पानी नहीं डालना, इसी से आपको पकाना है। तो यहाँ पे मेरा पालक बहुत पानी छोड़ चुका था, तो इसे मैंने 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए पका लिया है मैंने। और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो हाँ, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। तो देखिए, यहाँ पे जो मेरे पालक आलू थे बहुत अच्छे तरह से पक चुके और कलर कितना अच्छा आ गया, बढ़िया सा आ गया है। और आलू के साथ तो पालक बिल्कुल ही मिक्स हो चुके हैं, तो है ना ये अच्छी रेसिपी। तो बस अपने घरों पे ट्राई करिए और इस तरह से बनाए खाए और अपने फैमिली को खिलाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बच्चों को तो ज़्यादातर खिलाना चाहिए, क्योंकि ये हरी सब्जियां हैं, तो हरी सब्जियां तो हमारे आँखों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए पालक बहुत ही अच्छा होता है। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन पाए जाते हैं, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि भाई आप पालक लाएँ और घर पर बनाएँ, ज़्यादातर पालक की रेसिपी बनाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ, अपने घर को खिलाएँ और आप खुद भी खाएँ।
तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अच्छी है ना? तो बस फ्रेंड्स, रेसिपी आपने ऐसे ही घर में ट्राई करिए और बनाइए और खाइए, और मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, इजी ट्रिक्स के साथ, इजी टिप्स के साथ, और घर के मसालों से ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।